हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात के उपवास में थे और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब शैतान ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल कि ये रोटियां बन जाएं। शैतान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के सामने दोषी ठहराना चाहता था, ताकि प्रभु यीशु मसीह जिस काम के लिए इस धरती पर आए थे वो पूरा ना हो सके और पूरी मानव जाति पाप से ना बच सके और नरक में चले जाएं और परमेश्वर की पूरी योजना खराब हो जाए। मेरे प्रियो, आपके मुँह में ताकत है और इस बात को शैतान भी जानता है कि आपके मुंह में ताकत है, इसलिए शैतान आपको निराशाओं में डालता है ताकि आप दुखी होकर अपने मुंह से गलत अंगीकार करते जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाएं और पापों में फंस जाएं और जो योजना परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है आप उसे पूरा ना कर पाएं और उस आशीष को खो दें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर से आशीष को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमेश्वर के वचनों की गहराई में जाना पड़ेगा। बाइबल को पढ़कर उन वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। याद रखें, कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर आप परमेश्वर से कुछ बड़ी चीज चाहते हैं तो उसके लिए आपको बड़ा मूल्य अदा करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आओ। आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बुद्धिमान था या मैं बहुत ताकतवर था इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि मैं बुद्धिमानों को लज्जित करूं, और मैंने जगत के लाचारों को और पापियों को चुन लिया है ताकि लोग अपने आप पर घमंड ना करें और उस अनुग्रह को समझ सकें जो उनके ऊपर हुआ है और वो उस अनुग्रह के अनुसार काम करके उस बुलाहट को पूरा कर सकें जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको फल लेकर आने के लिए चुना है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह से अपने जीवन को फलदार बनाकर परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करना है। जब आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करोगे तो परमेश्वर आपको सबके सामने ऊंचा और आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आपकी मर्जी के अनुसार चलकर आपकी बुलाहट को अपने जीवन में पूरी कर सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।